हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी, इसकी जो मैंने सीरीज चालू की है उसका हमारा चौथा लेक्चर है। तो इसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देखेंगे, ठीक है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं और आप इनको अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको आइडिया भी समझ में आ जाएगा कि हमको किस तरह से क्वेश्चन दिए जाते हैं एग्जाम में और किस तरह से उनको सॉल्व करना है, वो भी बहुत जल्दी। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ग्रुप डी का पेपर अब होने वाला है, उसकी तारीखों का ऐलान भी होने लगा है, तो ज़्यादा संभावना है कि आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा और जल्दी उसके एग्जाम हो जाएंगे। तो चलिए उसी की प्रैक्टिस के लिए हम आज ग्रुप डी के और एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं और उनका सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर देखिए आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। इसमें क्या दिया हुआ है, एक वस्तु है उसको 2% और 10% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर आता है, ठीक है? तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात बताइए, ठीक है स्टूडेंट्स? हमको ये फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस, ठीक है? तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आप उसमें हमेशा कॉस्ट प्राइस को 100 मानिए, ठीक? ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, 100 मानने से ये होता है कि 100 का आप कितना भी परसेंट निकालोगे तो वो वैल्यू उतनी ही आ जाती है, ठीक है? इसका हमको ये फायदा मिलता है। तो एक्स और वाई ना लेट करके, ना मान करके हम सीधे 100 मान लेते हैं। तो 100 मानने से क्या होता है, अगर 2% का प्रॉफिट हो रहा है तो सीधा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस से 2 रुपये ज़्यादा, मतलब 100 रुपये है तो सीधे 102, ठीक है? इसलिए हम उसको क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस अगर हो गया 100 रुपये और प्रॉफिट परसेंट कितना है, देखो कितना हो रहा है, 2%, ठीक है? तो पहला जो सेलिंग प्राइस आएगा SP1, जिसमें हमको 2% का लाभ हो रहा है, वो कितना जाएगा डायरेक्ट, 102, ठीक है? नेक्स्ट वाले में कितना प्रॉफिट हो रहा है बताइए, उसमें हो रहा है 10%, ठीक है? तो सेकेंड वाला जो सेलिंग प्राइस आएगा SP2, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 110 रुपये, ठीक है स्टूडेंट्स? अब हमको क्या निकालना है, दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात निकालना है। अब आप बोलोगे ये जो वैल्यू दी है वो कैसे, उसका यूज ही नहीं हुआ। तो देखिए आप इसका यूज भी कर सकते हो और उससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन वो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाती है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ जल्दी सॉल्व कैसे करना है। जब भी कोई अनुपात वाला क्वेश्चन आएगा तो आप अगर इसको नहीं भी लोगे तो चलेगा, क्यों, क्योंकि अनुपात ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता है। तो आप एक्स और वाई मान के भी कर सकते हो, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसलिए आपको एग्जाम में जल्दी करना है, वहां इतना समय नहीं होता है, इसलिए इस कॉस्ट प्राइस को क्या मान लो, डायरेक्ट 100 मान लो, ठीक है? तो हमको क्या निकालना है, SP1 डिवाइडेड बाय SP2, इन्हीं दोनों का रेशियो निकालना है हमको, है ना? तो हमको वैल्यूज पता हो गई हैं, ये हो गया 102 और ये हो गया 110। अब इसको आप 5 से काट दीजिए, सॉरी 2 से काट दीजिए, 2 × 5 = 10, है ना? और ये कितने बार कट जाएगा, तो देखिए कितना आ रहा है आंसर, 51/55, मतलब हमारा जो आंसर है वो कौन सा है, वो फर्स्ट वाला आंसर है। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो बहुत आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें हमको निकालना है माध्य, क्या निकालना है हमको, माध्य निकालना है, ठीक है? माध्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीन। हमको क्या निकालना है, मीन निकालना है ना? तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी संख्याएं दी हैं उनका योगफल, योग बटे उनकी संख्या, मतलब जो आपको आंकड़े दिए हैं उन सब का योग कर दीजिए और जितनी संख्या है उसका भाग दे दीजिए, तो मीन आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो हमको क्या करना है, इन सबको जोड़ना है ना? पहला -3 + 4 + 0, ऐसे ही करते सारी संख्याओं को आप लिख लीजिए, इन सबका हमको जोड़ करना है। देखिए जो माइनस वाले हैं वो वहां अगर आप प्लस भी लगाओगे तो माइनस प्लस को क्या कर देता है, माइनस कर देता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट उसको माइनस ही लिख दिया हूँ, +10 एंड +5, ये संख्याओं का क्या आ गया, योग आ गया, है ना? हमारे पास संख्याएं कितनी है, हमारे पास संख्याएं हैं 10, गिन लीजिए 10 हैं। अब
अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो देखो माइनस वाले नंबर को माइनस वालों के साथ ऐड करिए, ये माइनस वाले हैं इनको माइनस के साथ, तो 5 3 8 2 10 माइनस 10, और जो प्लस वाले हैं उनको प्लस के साथ, तो 4 4 8 1 9 9 7 16 और 10 26 और 1 5 31 31 डिवाइडेड बाय 10। अब देखो 31 में से 10 घटा दोगे, ये तो आपको पता ही होगा कितना जाएगा, 21 डिवाइडेड बाय 10। इसमें डायरेक्ट आप दशमलव लगा सकते हो क्योंकि 10 है, तो यहाँ कितना जाएगा 2.1, मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा, बी वाला हमारा आंसर होगा। तो देखिए एनटीपीसी और ग्रुप डी में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान होते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमको, ये सवाल बहुत ईजिली नहीं हो सकता है, इसको आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको इसको बेसिक से बताता हूँ एकदम। देखो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कोसेक ए माइनस बी, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कोसेक ए माइनस बी इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि हम इससे निकाल सकें। फॉर्मूला किसका होता है, फॉर्मूला होता है साइन का, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इसका फॉर्मूला होता है, ठीक। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है क्या होता है, फॉर्मूला साइन ए, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इंटू में है ये साइन बी, फॉर्मूला ही होता है। लेकिन यहां तो कोसेक दिया है, तो कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कोसेक थीटा दिया होता है तो हम उसको लिख सकते हैं 1/sin θ, ऐसा लिख सकते हैं। हम कोसेक ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, 1/sin a-b, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हमको पता है, ठीक है। पर सवाल देखिए थोड़ा सा टफ कब हो जाता है, जब दो अलग अलग एंगल दिए हों, ये ए है और ये है बी, तो हमको क्या करना है, इसके लिए हमको अलग अलग ट्राइंगल बनाने पड़ेंगे। कैसे ट्राइंगल बनाना पड़ेंगे, देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो कायम लगती है समकोण त्रिभुज में, ठीक है। तो एक ट्राइंगल ये बन गया हमारा, ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज। यहाँ पर जो एंगल होता है वो हम इसको कंसीडर करते हैं, यहाँ पर जो एंगल होता है उसके हिसाब से। हमने मान लिया अभी ए है, तो ये हमने ले लिया ए, ठीक है। बी पर बन रहा है क्या 90 डिग्री, और सी हमारा दूसरा पॉइंट, तो ये हो गया क्या, ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, इसको स्मॉल ए लिख लो आधार, और ये क्या हो गया हमारा लंब हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये टेन ए, इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, उसको आप याद रखिए, एल ए एल लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। आप इस फॉर्मूले से सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की सारी वैल्यूज। तो यहाँ से आएगा क्या साइन, यहाँ से कोस, कॉस, यहाँ से टेन, यहाँ आएगा कोसेक, यहाँ सेक और यहाँ कॉट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए साइन का फॉर्मूला कैसे बनाओगे आप, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, कॉस का कैसे बनाओगे आधार बटे कर्ण, और टेन का लंब बटे आधार। अगर इन्हीं का उल्टा ले लोगे तो कोसेक, कोसेक क्या होगा ऊपर फिर नीचे से कर्ण, कर्ण बटे लंब, सेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और कॉट का आधार बटे लंब। क्यों, क्योंकि साइन जो होता है कोसेक का उल्टा होता है इनवर्स, तो साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। तो आप ये चीज यहां पर लगा दीजिए, तो देखिए टेन ए दिया है, टेन क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब ये है आधार ये है, मतलब लंब की वैल्यू कितनी है 15 और आधार की 8, तो ये आ गया 15 और ये आ गया हमारा 8, ठीक है। अब आप यहाँ पर 15 और 8 दिया है, कर्ण की वैल्यू निकालना है, तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, तो कैसे आएगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग मतलब 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, ये आप सॉल्व करोगे ये कितना हो जाएगा 225 प्लस 64, ठीक है, ये कितना हो गया 289। तो k स्क्वायर है ये, तो k की वैल्यू निकालोगे यहाँ रूट लग जाएगा, कितना जाएगा 17, ये कितना हो गया हमारा 17 हो गया, ठीक है, ये इसके लिए हो गया। यही काम हमको क्या करना है, इस b के लिए भी बनाना है, तो इसके लिए हम कैसे बनाएंगे, सेम आप वैसे ही बना लीजिए ट्राइंगल, ये आ गया 90 डिग्री।
अब एक ही जगह यहाँ क्या ले लो, बी, ये हो गया ए, ये हो गया सी, इस एंगल को ले रहे हैं इसीलिए हम टेन बी लिए हैं। तो यहाँ पर कर्ण लंब आधार आपको दिख रहे होंगे, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं जमा देता हूँ, लंब कितना हो गया 7, आधार कितना हो गया 24। इसमें भी आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना, ये डायरेक्ट आ जाएगा कितना 25। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अब हमें सारी वैल्यूज मिल गई, हमको साइन ए रखना है, कॉस बी रखना है, कॉस ए रखना है, साइन बी रखना है। तो साइन ए निकाल लो पहले, साइन ए वाले से बी वाले से बी वाली वैल्यू, ए वाले से ए वाली वैल्यू। तो ए वाले से साइन ए निकालोगे तो क्या होता है साइन का फॉर्मूला, देखो इसमें से इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 15, है ना, 15 बटे कर्ण कितना है 17। अब इससे साइन ए निकाला आपने, इससे कॉस ए निकाल लीजिए, कॉस ए कितना जाएगा हमारा आधार बटे कर्ण, है ना, तो कितना जाएगा 8/17। अब ये वाला बी वाला है तो इससे बी की वैल्यू निकाल लो, तो साइन बी कितना हो जाएगा लंब बटे कर्ण मतलब 7/25, और कॉस बी निकालोगे तो कितना जाएगा हमारा, कितना जाएगा आधार बटे कर्ण मतलब 24/25। ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखना है, ठीक है, इसमें आप वैल्यू रख दीजिए। आप वैल्यू रखोगे, इसको थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ, ये लाइन खींच दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू रखते हैं हम लोग, देखो फॉर्मूले में क्या है, साइन ए माइनस बी निकालना ना, तो पहले क्या है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए कितना है 15/17, ठीक है, कॉस बी, कॉस बी ए कितना आ जाएगा 24/25, ठीक। फिर माइनस कॉस ए, कॉस ए कितना है 8/17 इंटू साइन बी, साइन बी कितना है 7/25। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको आप गुणा कर लेना, कितना जाएगा ये आ जाएगा 360 माइनस ये आ जाएगा 56 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 425, ठीक है, कितना आएगा हमारे पास 304/425, ठीक है। पर ये तो इसकी वैल्यू है, मतलब साइन थीटा की वैल्यू, साइन ए माइनस बी की वैल्यू है। जब आप यहाँ रखोगे, हमको किसकी चाहिए, कॉस की चाहिए ना, सॉरी कोसेक की चाहिए हमको, वो होता है 1/sin, तो साइन की वैल्यू ये है, मतलब जो साइन की वैल्यू है उसका उल्टा कर दो तो आपका कोसेक आ जाएगा। तो इस वैल्यू को उल्टा करोगे आप तो कितना जाएगा 425/304, मतलब कौन सा आंसर होगा हमारा, फर्स्ट वाला आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस सवाल में देखिए स्टूडेंट्स, राज क्रमशः 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और 8 किलोमीटर की गति से बराबर दूरी तय करता है, कुल 52.5 मिनट का समय लेता है, तो कुल दूरी बताना है कितनी है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर आप एक चीज देखिए, ये मिनट में है और ये जो यूनिट है वो किलोमीटर और प्रति घंटा, तो मिनट को या तो घंटे में बदल लो या घंटे को आप मिनट में बदल लो, है ना। तो हम क्या करेंगे, इजी जो रहे हमको आसान पड़े हम वो काम करेंगे। आसान क्या पड़ेगा, इसको बदल लो, नहीं तो सबको बदलना पड़ेगा मिनट में, तो आप मिनट को क्या करो घंटे में बदल लो, है ना। तो मिनट को 52, इसको क्या लिख सकते हैं 52/1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका तो यही मतलब होता है ना, 52.5। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 105/2 ये आएगा, ठीक है। अब इसको घंटे में बदलना है, ये मिनट है, घंटे में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 का भाग देना पड़ेगा आपको, ठीक। तो यहाँ ये अगर कैंसल हो रहा है तो आप इसको काट लीजिए, 15 से कट जाएगा, 15 7 105 और 15 4 8 तो 15 4 60, है ना, 7/ कितना हो गया 8। अब यूनिट चेंज हो गई। अब देखिए आप लॉजिक समझिए, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बराबर दूरी तय कर रहा है, देखो यहाँ मतलब बराबर बराबर दूरियां तय करता है। तो मान ली हमने इसमें ये डी किलोमीटर चलता है, इतनी स्पीड से भी डी किलोमीटर और इतनी स्पीड से भी डी किलोमीटर, ठीक है। अब आप फॉर्मूला जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है। अगर आप टाइम का फॉर्मूला निकालोगे तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा, है ना।
टाइम हमको दिया है, तो हम यहाँ पर अगर जमाते हैं तो देखिए डी डिस्टेंस चलने में 2 की स्पीड थी, फिर जितना ये क्या आ गया समय आ गया, ठीक है, फिर डी डिस्टेंस चलने में 4 की स्पीड थी तो जितना समय लगा, फिर प्लस डी डिस्टेंस चलने में फिर कितना समय लगा 8 की स्पीड से, मतलब डी डिस्टेंस को 2 किलोमीटर प्रति घंटा से, ये समय हो गया। देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, समय, तो डी अपॉन 2 एक समय ये, फिर एक समय ये, फिर एक समय ये, टोटल ये टाइम कितना लगा है उसको, कुल समय कितना लगा है 7/8 घंटे, ये कितना आ जाएगा 7/8 घंटे, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, एलसीएम आ जाएगा 8, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 4D प्लस यहाँ से आ जाएगा 2D, यहाँ से कितना जाएगा डी इज इक्वल टू 7/8, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करिए, 7D/8 इज इक्वल टू 7/8, ये पूरा कैंसल हो जाएगा, सो डी इज इक्वल टू कितना जाएगा 1। और देखिए स्टूडेंट्स, यहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का गलत हो जाता है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हमारा आंसर आ गया है, तो वो फटाक से जाके किसको टिक कर देते हैं, वो कर देते हैं सी को, 1 किलोमीटर, ठीक है, जो कि गलत है। हमको क्या बताना है, कुल दूरी बताना है, कुल दूरी किलोमीटर में, तो कुल दूरी जब आप बताओगे तो दूरी यहाँ पर डी 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 कितने बार है, 3 बार, 1+1+1 कितना जाएगा 3, मतलब हमारी जो आंसर सही आंसर है वो कौन सा है, वो 3 किलोमीटर है, ना कि 1, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार रेलवे में पूछा गया है, और अभी जो एग्जाम हुए थे NTPC के उसमें भी ये आया था, और ग्रुप डी में भी बार बार पूछा जाता है। इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा फॉर्मूला बताता हूँ, उससे आप फटाक से आंसर लगा लीजिए। फॉर्मूला होता है a+b+a(b/100), यहाँ a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, ये सब कुछ क्या है 7%, है ना, तो हमको कंबाइंड परसेंट निकालना है, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे परसेंटेज वाली क्लास जाके देखिए, उसमें मैंने इसको बेसिक से बताया है कि ये फॉर्मूला क्यों लगता है, कहाँ पर लगता है। अभी के लिए आप ये जान लीजिए इस फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हो उसको, तो 7+7 हो जाएगा प्लस 7/7/100, ठीक है, कितना हो गया ये 14, और ये हो जाएगा कितना 49/100, कितना हो जाएगा 14+0.49, इसको आप जोड़ दीजिए कितना जाएगा 14.49, ठीक है। तो कौन सा जाएगा हमारा आंसर, बी वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, 5 क्वेश्चन हो गए हमारे, आज का 6वां क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, एक टैंक में 2 छेद हैं, ठीक है, एक 9 मिनट में खाली करता है, दूसरा 8 मिनट में खाली करता है, तो हमको बताना है जब दोनों एक साथ चालू हो जाए तो टैंक कितना समय लेगा खाली होने में, इसका मतलब टैंक भरा है। सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, टैंक कितना भरा है, ये कोई टैंक है, ठीक, ये टैंक है, एक नल यहाँ लगा हुआ है, पर ये छिद्र, एक छिद्र यहाँ पर है, ठीक, ये 9 मिनट में खाली करता है, दूसरा छिद्र यहाँ पर है, ये 8 मिनट में खाली करता है। अब मैंने आपसे बोल दिया कि ये जो टैंक है ये पूरा भरा हुआ है, ये जो टैंक है ये पूरा भरा है, अगर हम दोनों छिद्रों को खोल दें तो कितने टाइम लगेगा कि ये पूरा खाली हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, देखिए पहला वाला क्या कर रहा है 9 मिनट में, और दूसरा वाला 8 मिनट में, ठीक है, उसकी जो क्षमता निकालना है वो अगर आप इनका एलसीएम ले लोगे तो वो क्या आ जाएगी, इनकी क्षमता आ जाएगी, मतलब टैंक में कितना पानी भरा जाता है वो एलसीएम से आ जाता है, ठीक है। तो 72 9/8 72, एलसीएम कितना आ गया 72, यही इसकी क्षमता होगी, मतलब 72 लीटर या जो भी है वो इसकी क्षमता है। तो ये 9 मिनट में खाली कर रहा है, तो 1 मिनट में कितने यूनिट खाली करेगा, 9 8 72, इसका इसमें भाग दे दो तो 8 यूनिट, 1 मिनट में 8 यूनिट, ये वाला 1 मिनट में 9 यूनिट, अब दोनों को कंबाइन कर दिए आपने, एक साथ खोल दिए, दोनों 1 मिनट में कितने यूनिट खाली कर देंगे, 17 यूनिट, ठीक है। करना कितना है 72,
एक यूनिट खाली करने, 1 मिनट में कितनी यूनिट खाली कर रहे हैं? 17 यूनिट। 72/17 करोगे तो टाइम आ जाएगा कि कितने मिनट लगेंगे। तो 4 सही 4/17, 17 चौके 68 और 4 72, मतलब इतने मिनट उन लोगों को लगेंगे इस भरे टैंक को खाली करने में। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? देखिए डी वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आयत दिया है। आयत कैसा होता है? देखिए आयत बता दे रहा हूं मैं, ये आयत है, रेक्टेंगल है। उसकी क्या विशेषता होती है? उसकी जो आमने सामने की भुजाएं होती है बराबर होती है। लंबाई 6 है तो ये लंबाई भी 6 होगी, चौड़ाई 2 है तो ये चौड़ाई भी 2 होगी। ठीक है, पूछा क्या है हमसे कि इसका डायगोनल बताना है आपको, डायगोनल। ठीक, तो जो आयत का विकर्ण होता है, डायगोनल जो होता है वो कितना होता है? अंडर रूट होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। तो लंबाई कितनी है? 6, तो 6 का वर्ग प्लस चौड़ाई कितनी है? 2, तो 2 का वर्ग। ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना आप, कितना आएगा? 40। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर डाउट होता है। अब देखो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये कितना आएगा? 2√10 ये आएगा। और जो ऑप्शन दिए हुए हैं बहुत कंफ्यूजिंग है, कैसे 2√10 प्लस माइनस 2√10, इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा सही? आंसर तो दोनों ही लग रहे हैं। तो जब भी रूट से वैल्यू आती है तो कौन सी आती है? प्लस और माइनस दोनों में आती है, लेकिन डी वाला आंसर नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा? देखिए इसका रीजन क्या है, ऑलवेज आपको क्या लेना है? पॉजिटिव वाला लेना है। क्यों लेना है पॉजिटिव? एक बात याद रखिए, लेंथ कभी निगेटिव हो सकती है क्या? आप ये सोच के देखिए, मैंने आपसे बोला कि कोई दो पॉइंट है, मान लीजिए एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ठीक है, मैंने बोला इसके बीच की डिस्टेंस है -2 किलोमीटर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी -2 किलोमीटर। इससे आप क्या समझ रहे हो? माइनस में कैसे होगी, है ना? माइनस को मेजर कैसे करोगे आप? दो -2 किलोमीटर क्या होता है? डिस्टेंस तो होगी ही नहीं ऐसी, वो हमेशा किस में होती है? प्लस में होती है, निगेटिव नहीं होती। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर इस वाले आंसर को छोड़ दिया हूँ और ये जो प्लस वाला है उसको एज्यूम कर लिया हूँ, तो आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा? 2√10। आप हमेशा याद रखिए कि जो लेंथ होती है वो निगेटिव नहीं होती, ठीक, लेकिन आंसर रूट से निकलेगा तो प्लस और माइनस दोनों आएगा, और हमको जो लेना है वो कौन सा होगा? प्लस होगा, क्योंकि लेंथ को क्या करना है? निगेटिव नहीं लेना। ठीक है, अब समझ गए आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां प्रश्न है हमारा। ये देखिए स्टूडेंट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको बताया हूँ। इसके लिए आप देखिए फिर से ट्राइंगल बना लीजिए और आप वो फॉर्मूला देख लीजिए, लाल बटे कक्का वाला, है ना? एल ए एल, लाल बटे कक्का। ठीक है, हमको किसका फॉर्मूला निकालना है? कॉट का। कॉट यहाँ आता है, यहाँ से लोगे आप इसको तो आधार बटे लंब, तो आधार हो जाएगा 5 और लंब क्या हो जाएगा? 12। अब आप यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, तो वो आपको मालूम है, आप लगा देना। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूँ इसकी, 13। ये बहुत आसान है, करते करते आपको आ जाएगा। तो ये कुछ पेयर्स होते हैं जो चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम में, इसलिए ये बेसिक पेयर है, ये आपको याद हो जाएगा आगे चल के। ठीक है, और नहीं होगा तो मैं आपको कुछ पेयर्स लिखवा दूंगा, आप उन्हीं को याद कर लेना, वही बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए साइन एक्स क्या होता है? साइन ये हो गया, कॉस ये हो गया, साइन क्या हो गया? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? 12/13, कर्ण है 13। ठीक, कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण, तो आधार है 5 और कर्ण है 13। बस दोनों को ऐड कर दीजिए, 12 और 5 कितना हो जाएगा? 17/13। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? 17/13, मतलब डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे समझ में, अब अगला सवाल देखिए। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन। 2 संख्याओं का अनुपात दिया है, 2:9 और महत्तम समापवर्त मतलब HCF दिया है 32, तो हमको क्या निकालना है? LCM। ठीक, तो पहली संख्या मान ली एक्स है, तो इसमें हमको किसी नंबर का मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा तब वो संख्या बनेगी, और दूसरी संख्या है वाई, उसमें 9 का अनुपात, तो हमें वहां पर एक संख्या का मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप देखिए कौन सा ऐसा नंबर आएगा जिसका हम गुणा कर दे तो हमें संख्याएं मिल जाए।
अब अगर आपने HCF बहुत अच्छे से पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो HCF का मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो, नंबर सिस्टम करके HCF LCM करके लिखा है मैंने, वहां पर आप जाके देख सकते हो। तो देखिए ये जो नंबर है वो दोनों में होगा है ना, तभी तो वो कैंसिल हुआ है। तो वो जो कॉमन नंबर होता है वो ही क्या होता है, HCF होता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन इसीलिए दिया जाता है, मतलब दोनों में एक ऐसा कॉमन नंबर है जो ऊपर नीचे कट गया है, तो वो कॉमन नंबर कौन सा होता है, वो ही HCF होता है। अगर आप उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे HCF का तो क्या जाएगा, हमें संख्या मिल जाएंगी है ना, तो ये कितना हो जाएगा 64, और इसमें कर दो 2 9 9 2 18, 1 बचा 9 3 27 और 1 28, तो ये आ गई संख्या है। ठीक है, अब आप फॉर्मूला जानते हो, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, तो पहली संख्या कितनी हो गई 64, दूसरी संख्या 288, और HCF कितना है 32 इंटू LCM हमको निकालना है। तो आप काट दो इसको 8 से, 8 से 4 बार कट गया है ना, तो 8 से 8 बार कट गया, और ये काट दो 2 4 2 8, मतलब कितना जाएगा, इसका 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो LCM कितना जाएगा 576, मतलब हमारा जो आंसर है वो कितना जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आप कर सकते हो। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए हमारी स्क्रीन पर आ रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करोगे आप लोग, सबसे पहले आप इसको लिख लो 0.4 है ना, 1404 डिवाइडेड बाय 0.06। अब इसको सॉल्व कैसे करें, देखिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, आप पहले दशमलव हटा लीजिए। ठीक है, दशमलव अगर ऊपर वाले से दशमलव हटाओगे तो ये कितना आएगा, दशमलव हट गया तो ये हो गया 1404 है ना, तो जब भी दशमलव हटाओगे तो ये बटे वाली संख्या यहीं आ जाएगी इसी के पास। तो देखो दशमलव की जगह कितना लिखेंगे हम, दशमलव की जगह 1, तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 4 अंक, तो 4 0 लगा दो, ये हो गया। इंटू में इसी संख्या को लिखते हैं, ठीक है, इसमें से दशमलव हटाओगे तो 6 बचेगा, और इसके बट्टे में आप लिखोगे अगर दशमलव हटा के तो दशमलव की जगह 1, उसके बाद कितने डिजिट हैं, जितने डिजिट होते हैं उतने 0, तो 2 है तो 2 2 0। अब ये देखो ये कट गया, ये कट गया ना, कितना आ गया 6 से आप इसको काट सकते हो, कितना जाएगा 6 2 12 और 6 3 18, 6 4 24। ठीक है, ये आ जाएगा डिवाइड में 100, कितना हो जाएगा, दशमलव लगा दीजिए 2.34। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं वो ऑप्शंस गलत टाइप हो गए हैं, इनको आप निगलेक्ट कर दीजिए, हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2.34 आएगा। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। ये जो हमारे कुछ क्वेश्चंस थे और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आप इनको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बहुत अच्छे सॉल्व कर लीजिए। रेलवे बहुत बार इन क्वेश्चंस को रिपीट करता है, इसी तरह के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जरूरी नहीं है रेलवे NTPC या ग्रुप डी, SSC में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, रेलवे में भी आते हैं, और कई बार बैंकों में भी कुछ टर्म्स पूछ लिया जाता है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करिए और बार बार प्रैक्टिस करिए ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, थैंक यू।